सो देश भर दुनिया भर जो भी देख रहे हैं उनके लिए समझ लीजिए रिवर्सल क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, उसके स्टेजेस क्या क्या है। गाड़ी एक गियर में एक तरीके से आगे जा रही है, ठीक है ना, उसको रिवर्स में लाना है, सिंपल। ओके, वजन एक मुकाम पे पहुंच गया है, गोलियां एक मकाम पे पहुंच गई है, इंसुलिन, हेडेक, माइग्रेन, जो भी प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द, अभी आपका एक स्टेज है, वो सबको रिवर्स करना है, उल्टा घुमाना है, मतलब रिवर्सल। सिर्फ शुगर कम होना रिवर्सल नहीं है, पूरी तबीयत रिवर्स करके अच्छी होना, प्रॉब्लम्स रिवर्स करके तबीयत बढ़िया होना इज रिवर्सल। तो ये रिवर्सल के 7 स्टेजेस हैं, 7 पहलू, स्टेप्स हैं, टप्पे आहेत, 7 पायऱ्या आहेत रिवर्सलचे, त्या समजून घ्या सगळेजण। स्टेज 1 में शक्कर कम होता है, गोली उतनी ही रहती है, और आप में से काफ़ी लोगों ने अनुभव किया रहेगा, कितने लोगों की गोली कम नहीं हुई है लेकिन शक्कर थोड़ी कम हो गई है, हाथ ऊपर। सो इतने में खुश मत होना, हाँ ये सिर्फ बिगिनिंग है, स्टेज 1 है रिवर्सल का, ठीक है ना। अभी इसके आगे जाके गोली कम होने वाली है, और इस स्टेज पे ही कुछ कुछ लोग बेसिक करके जाते हैं, इस स्टेज पे ही खुश हो जाते हैं, अरे मेरा शुगर 240 था, अभी 120 हो गया, खुश हो गया। इतना जल्दी खुश नहीं होना, ये शुरुआत है। इस जस्ट फॉर एग्जांपल इंटेंसिव बैच की वीना जी हैं 274 473, ओके, और एक महीने के अंदर 87 और 120 शुगर्स आई थी। सो होता है किसी किसी का 200-300 भी शुगर आती है, एक हफ्ते में भी कम होती है। स्टेज 2 में शुगर कम हो रही है, इंसुलिन या गोली भी कम हो रही है, वो 2nd स्टेज में जाता है, थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया, शक्कर भी कंट्रोल में आई, गोली इंसुलिन भी कम हुआ। तो ऐसे कितने हैं जिनका गोली बंद नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है, गोली कम हुआ है। सो सी यहाँ पे कुछ कुछ लोग 2nd स्टेज में पहुंचे हैं, तुमचे तो पण कोणतरी असेल ज्यांचा गोळ्या कमी होत आहेत, इन्सुलिन कमी झालेला आहे। स्पेशली नगर औरंगाबादच्या लोकांना सांगू इच्छितो, बरेच जण तुम्ही रिपोर्टिंग करत नाहीये, ॲप वापरत नाहीये, डॉक्टर सुबोध वगैरे खूप मदत करतात तुम्हाला लवकर तुमच्या गोळ्या कमी होण्यासाठी, तर तो रिपोर्टिंग करे, लवकर लवकर तुमच्या गोळ्या कमी करून घ्या। तो हे स्टेज 2 होता आहे। प्रीती ठक्कर जी 75 वेट का 55 हुआ है, टाइम लगा है इनका, इंसुलिन पूरा बंद हो गया लेकिन गोली पूरी बंद नहीं हुई, अब जाके उनकी गोली भी बंद हो गई है, हुबली के हैं, लेकिन जब ये प्रेजेंटेशन किया था तब गोली बंद नहीं हुई थी। तो स्टेज 2। स्टेज 3 क्या होता है? स्टेज 3 वो होता है, टप्पा नंबर 3 ऐसा असतो कि गोळ्या पूर्ण बंद है, पूरा गोली बंद हो गया है, पूरा इंसुलिन भी बंद हो गया है, लेकिन शुगर अभी भी फुल कंट्रोल में नहीं आया है। मतलब शुगर जो है ना HbA1c वो 6 के ऊपर है अभी भी। FFD के जो पुराने बैचेस हैं उसमें से काफ़ी लोग हैं जो इस स्टेज पे हैं, मतलब 6.4 आता है, 6.6 आता है, 7 के अंदर है HbA1c, लेकिन अभी भी पूरा कंट्रोल में नहीं आया, बिलो 6 नहीं आया लेकिन गोली बंद है। सो दिस इज स्टेज 3। स्टेज 3 के भी काफ़ी पेशेंट्स हैं, यहाँ पे अजय हिरासकर जी है, मेडिसिन स्टॉप्ड इन 1 मंथ, वजन 9 किलो कम, HbA1c 6.6 है, कंसल्टेंट है पुणे में। स्टेज 4 में अभी और अच्छा पड़ाव आया, मतलब गोली भी बंद, इंसुलिन भी बंद, शुगर भी फुल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल, 6 के अंदर आ गया, एकदम नॉन डायबिटिक जोन में जा रहा है, 5.7 के नीचे। ये पड़ाव भी आता है क्या? हाँ आता है, कईयों का आया है। योगिता गाड़ी जी है 6.8 to 5.6 पहुंच गई, मेडिसिन स्टॉप्ड इन 1 वीक, 6 ईयर्स का डायबिटिक। अभी इनका परिस्थिति अभी ये स्टेज 3 में आ गई है, स्टेज 4 में जाके आदमी स्टेज 3 में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगले स्टेज में पहुंच गए और गाड़ी आगे आगे ही जाने वाली है। सारा खेल जो है ना वो काफ़ी चीज़ों पे निर्भर है, बड़ा क्वेश्चन वर्ती अवलंबन है, आपका फिटनेस कैसा ग्रो हो रहा है, आपका रिवर्सल कैसा हो रहा है उसके ऊपर। स्टेज 5 बहुत ज़बरदस्त स्टेज है, इसमें एक बार आप प्रस्थापित हो जाए तो काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम्स जड़ से निकल जाते हैं, और वो है, वो होता है GTT पास होना। तो मेंटर्स में से यहाँ पे कुछ कुछ है जो GTT पास है, आई थिंक कैन आई हैव द मेंटर्स हु पास GTT, स्टैंड अप प्लीज।
सो राहुल जी 3-4 बार किए हैं, अजीत जी किए हुए हैं, महेंद्र जी भी किए हैं और शशांक जी भी किए हैं. लेट्स गिव अ हैंड टू ऑल द मेंटर्स ओवर हियर. ऐसे भी मेंटर्स हैं, बैठ जाइए, जो अभी तक जीडीडी पास नहीं हुए हैं, मे बी स्टेज 3 स्टेज 4 पे जूझ रहे हैं और बिकमिंग अ मेंटर हेल्प्स इन द प्रोसेस. ऐसे भी मेंटर जिनका थायराइड गोली बंद हो गया है. आई थिंक नम्रता जी आपका बंद हुआ है, चालू है, कम है? बहुत ही कम हो गया, अभी बंद नहीं हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है. तो रिवर्सल में कभी कभी 125 का 12.5 पे आया है, 12.5 पे आया है थायराइड का गोली. ओके, बीपी का गोली किसी का बंद हुआ है? सुकुमार का बंद हुआ है, शशांक का बंद हुआ है, इनका बंद हुआ है. सो रिवर्सल में ना डायबिटीज एक चीज है, बाकी भी गोली बंद हुआ रहता है. सो वो सब स्टेज 5 के आगे आगे आएगा, लेकिन जीटीटी पास करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है जो बहुत आनंद देता है, मजा आता है. सो 15 चम्मच शक्कर खा के 95-106 12 साल का गोली 7 दिन में बंद हुआ. लक्ष्मण का टक्कर जी है. सो मेनी पीपल आर लाइक दैट. लास्ट टाइम अरविंद जी आए थे करमरकर, जो बार बार, इनफैक्ट शशांक जी ने भी बहुत बार पंच पकवान, गुलाब जाम, रसगुल्ला वो सब खा के देखा है, बार बार खा के देखा है कि 140 के ऊपर आ रहा है क्या, और नहीं आया है. तो वो पड़ाव भी आ सकता है. सबका आएगा क्या? शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि बीमारी गहरी थी. लेकिन रिवर्सल सबका होगा क्या? हाँ, अब भी जो भी परिस्थिति में है उससे बेहतर तो आप होने ही वाले हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट. फिर नेक्स्ट स्टेज आता है जब आपका नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, आंख का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, नर्व्स का प्रॉब्लम कम होने लग जाता है. कॉम्प्लिकेशन जैसे थायराइड है, बीपी है, ये सब ठीक होने लग जाते हैं. ओके, सो दिस इज अ लिटिल बिट मोर एडवांस स्टेज, स्टेज 6. इसमें भी बहुत पेशेंट्स है. यशवंत लोहरे जी, आंख का रेटिना पूरा नॉर्मल हुआ, ऑफकोर्स एडवांस्ड रहेगा, रेटिना डिटैच हो गया रहेगा तो वो ठीक होने वाला नहीं है. लेकिन बिगिनिंग स्टेज का जिसको NPDR बोलते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट PDR, वो नॉर्मल हुए बहुत पेशेंट्स है. क्रिएटिनिन 3 क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हुआ है, 1, 1.5, 2, 2.5 भी नॉर्मल हुआ है. और न्यूरोपैथी, जलन, नमनेस, वो सब ठीक होना भी एक बहुत बड़ी परेशानी होती है. इनफैक्ट मोस्ट ट्रबलसम प्रॉब्लम फॉर डायबिटिक्स इज न्यूरोपैथी. रात की नींद हराम हो जाती है, सो नहीं पाते हैं, रोज पैर दुखते हैं, जलते हैं, नंब होते हैं. उसका रिवर्सल बहुत बड़ा रिलीफ देता है लोगों को. सो ये भी हो सकता है. स्टेज 7, अल्टीमेट स्टेज ऑफ रिवर्सल. कुछ भी खाओ, बिना स्टेयरकेस, बिना एक्सरसाइज, कहीं पर भी जाओ, और फिटनेस लेवल ओवरऑल और हैप्पीनेस लेवल ओवरऑल इतनी जबरदस्त रहती है कि वापस बीमारी आने की गुंजाइश ही नहीं है. सो फिटनेस लेवल इज सो गुड, शुगर लेवल, आप कुछ भी खाओ, एक्चुअली आप 10 जलेबी खा लो फिर भी शुगर 140 के नीचे. और ऐसे किए हुए भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि, और ऐसा नहीं कि 2-4 ही है, काफी है, डजनों में है. ओके, सो दैट्स लेवल स्टेज. शशांक जी है उसी में से और पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने करके दिखाया है ये. ओके, पंच पकवान होगा. सो समरी में 7 स्टेज ऑफ रिवर्सल, शक्कर कम, 2nd स्टेज गोली कम, 3rd स्टेज गोली बंद लेकिन शुगर नॉट अंडर कंट्रोल, 4th स्टेज गोली भी बंद, HbA1c बिलो 6. आप सबने कोशिश करनी है कि 3 महीने में आप स्टेज 4 तक पहुंच सके, स्टेज 3 स्टेज 4, और कोशिश करनी है कि 6 महीनों में या 9 महीनों में आप स्टेज 5 पे पहुंच सके. और साल भर अच्छे से जो जो बताया जाए वैसे वैसे इम्प्लीमेंट होता गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 पे है, 6 पे है और जबरदस्त बदलाव आप महसूस कर रहे हैं. तो ये था छोटा सा प्रेजेंटेशन ऑन स्टेजेस ऑफ रिवर्सल फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज. आप सबको क्लैरिटी दिलाएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है लोगों से कि रिवर्सल मतलब क्या. रिवर्सल वापस रिमाइंड कर रहा हूं, कोई ये एक पड़ाव नहीं है, गोली बंद हो गया मेरा रिवर्स हो गया. रिवर्सल एक पड़ाव नहीं है, रिवर्सल एक सफर है जिसमें हम ग्रो होते हैं, एक्सपैंड होते हैं और फ्रीडम एक्सपीरियंस करते रहते हैं. ठीक है ना, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज आए हैं, एंड ऑल द बेस्ट. फिर से मिलेंगे ब्रेक के बाद में. थैंक यू, बाय बाय.